नमस्कार मित्रों, अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं आपको ले चलता हूँ भारत की आज़ादी के कुछ हाइलाइट्स, कुछ झलकें। ये जो तस्वीर है, जो दाहिनी तरफ जो नज़र आ रही है, वो दुर्गा भाभी है। ठीक है, जान लेते हैं दुर्गा भाभी कौन थी। ये दुर्गा भाभी है, वही दुर्गा भाभी जिन्होंने सांडर्स वध के बाद राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर से अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल कर कोलकाता ले गई थी। इनके पति क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा थे। ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास आखिरी वक्त में जो माउज़र था, वो भी दुर्गा भाभी ने ही उनको दिया था। 14 अक्टूबर 1999 में वो इस दुनिया से गुमनाम ही विदा हो गई। कुछ एक दो अखबारों ने उनके बारे में छापा, बस। आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी न तो उस वीरांगना को इतिहास के पन्नों में वो जगह मिली जिसकी वो हकदार थी, और न ही वो किसी को याद रही, चाहे वो सरकार हो या जनता। एक स्मारक का नाम तक उनके नाम पर नहीं है, कहीं कोई मूर्ति नहीं है उनकी। सरकार तो भूली ही, जनता भी भूल गई। ऐसी वीर वीरांगनाओं को हम शत शत नमन करते हैं, और भविष्य में ऐसे तमाम वीरों को सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। दुर्गा भाभी, इनकलाब जिंदाबाद, महिला शक्ति, धन्यवाद।